राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो, जेंट स्वेटर में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल सकते हो। एक डिज़ाइन ये चार फंदे का है और चार ही सिलाई का है, सॉरी दो फंदे का है, चार सिलाई का है। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको। पहला फंदा है ये फंदा सिलाई के लिए है, उल्टा बना लिया हमने। फिर आगे एक फंदा सीधा बना लिया, ये फंदा सिलाई के लिए है, ये फंदा डिजाइन का है। ये दो दो फंदे दोनों साइड कोने पे आएंगे। पहली सिलाई ये सीधी सिलाई है, पहले हम ऐसे जाली बना लेंगे, फिर दो फंदे सीधे। जो ये जाली वाला फंदा था, ये फंदा उठा के दो फंदों के ऊपर से उतार देंगे ऐसे। अब ये फंदा छोड़ के ये डिजाइन है दो फंदे का, यही डिजाइन हम आगे बनाएंगे पूरी सिलाई में। फिर एक बार फिर ऐसे जाली बना ली, एक फंदा बना लिया ये, फिर दो फंदे सीधे। फिर ये फंदा जो बनाया था हमने जाली बना के, इसको उठा के ऐसे दो फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ये थोड़ा ढीला बना लेंगे ये लपेट के धागा, एक दो। फिर ये उठा के ऐसे दो के ऊपर से उतार देंगे। देखो ये डिजाइन बनेगा। फिर ऐसे लपेट के जाली बना ली, फिर दो फंदे सीधे बना लिए। फिर जो ये लपेट के जाली बनाई थी, ये फंदा उठा के ऐसे दो के ऊपर से उतार देंगे। फिर जाली बना ली, फिर दो फंदे सीधे। फिर ये ऐसे ऊपर को उतार देंगे। फिर जाली बना के दो फंदे सीधे। अब ये पहली सिलाई है, सीधी सिलाई है, पूरी सिलाई को हम इस तरह उतारेंगे। बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनाया अभी अच्छा लग रहा है। जाली बना के ऐसे दो फंदे सीधे। दो फंदे सीधे, फिर ये फंदा उठा के ऊपर को उतार दिया। यहीं पे बढ़ा दिया हमने, यहीं पे घटा दिया। दो फंदे सीधे। अब जैसे एक फंदा ये कोने वाला सिलाई के लिए है, एक फंदा और सीधा बना था हमने, दो फंदे आगे थे, अब दो फंदे यहाँ आगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। फिर ये वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब आ गई दूसरी सिलाई, ये उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बना देंगे। ये कोने वाले फंदे हम दोनों साइड से उल्टे बना रहे हैं, उल्टी सिलाई में भी उल्टे बना रहे हैं ये, और सीधी सिलाई में भी उल्टे बना रहे हैं। आपको जिस तरह ठीक लगे यूँ बना लेना। ये सिलाई के लिए है एक एक फंदा। और ये कोने पर उल्टा फंदा रखेंगे तो हमारा ये पल्ला मुड़ेगा नहीं, फिर सिलने में भी आसानी रहेगी और पल्ला भी नहीं मुड़ेगा ऐसे। अब आगे तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमें एक फंदा ये उल्टा बना लिया, फिर पीछे धागा करके। पहली सिलाई में हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब की बार हम सीधा नहीं बनाएंगे, इन दो फंदों का डिजाइन डालेंगे। पहले हमने इन दो का डाला था, ये सीधा बना दिया था, इन दो का डिजाइन डाला था। अब की बार ये फंदा छोड़ के इन दो का डिजाइन डालेंगे। ऐसे धागा लपेट लेंगे पहले, फिर दो फंदे सीधे, फिर ये फंदा उठा के दो के ऊपर को उतार दिया। यही दो फंदे का डिजाइन आगे बनाएंगे पूरी सिलाई में। डिजाइन इसी तरह है जो हमने पहली सिलाई में बनाया था, बस थोड़ा हा फंदा पलट दिया। पहले हमने एक फंदा सीधा बना के फिर चालू किया था डिजाइन, अब की बार हमने एक फंदा जो कोने वाला सिलाई वाला वो उतार के शुरू में ही डिजाइन शुरू कर दिया। लपेट के जाली बना दी, फिर दो फंदे सीधे, जाली बना दी, दो फंदे सीधे।
ये जो जाली वाला फंदा बना रहे हैं ये बिल्कुल खींच के नहीं बनाना, ढीला रखना है ये फंदा। ये उठाने में भी आसानी रहेगी और बनाया हुआ तभी दिखेगा जब हम थोड़ा लूज फंदा रखेंगे। अगर खींच के बना दिया उठाने में भी थोड़ा मुश्किल होगा और फिर बनाया भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा इसको लूज रखना, खिंचा खिंचा बनागा फिर ये फंदा। अगर खींच दिया तो हमने दो फंदे सीधे। अब देखो आगे एक बचा ये सिलाई वाला, यहाँ शुरू किया था कोने से, आगे भी पहली सिलाई में एक एक फंदा रखा था, अब की बार नहीं बचा फंदा। फिर ये कोने वाला ऐसे उल्टा। अब आगे चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई, चौथी सिलाई में हम सारे फंदे ऐसे उल्टे बना देंगे। चार सिलाई का ये डिजाइन है, चार सिलाई हमारी पूरी होगी। जो उल्टी सिलाई उतारेंगे सारी सिलाई हमने इस तरह उल्टी उतारनी है, कोई डिजाइन नहीं डालेंगे उल्टी सिलाई में। अब एक डिजाइन हमारा चार सिलाई का पूरा हो गया, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। पहली सिलाई से फिर शुरू करेंगे। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।